इस पर इस लाइन पर चल पड़ो, नाम जबकि लाइन पर चल पड़ो फिर कोई बाधा नहीं है। सोते जगते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का जप करो। मंत्र के जप में विधि का आग्रह है, नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है। नाम जप करो, नाम ही सार है। सब कुछ पढ़ लिख लो, अंत में कल्याण नाम से ही होगा। अब कुछ मत पढ़ो लिखो, केवल राम राम करो तो भी कल्याण होगा। ये सब काम नहीं आएगा जो कुछ हम ये वेद वेदांत भी काम नहीं आएंगे। लाखन में एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, भगवान नाम लो, भगवान नाम सर्वोपरि। वैष्णव को नाम में सर्वोपरि प्रीति रखनी। खेती करते हुए राम राम किया जा सकता है, रसोई बनाते हुए राम राम किया जा सकता है, रास्ता चलते राम राम किया जा सकता, हर समय राम राम किया जा सकता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक महान संत हुए, चोखा मेला। हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में जैसी महिमा संत रविदास जी की है, रैदास जी की है, वही महिमा महाराष्ट्र में संत श्री चोखा मेला जी की है। ये चोखा मेला भी अयोनिज थे, किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। एक ब्राह्मण दंपति श्री पंढरपुर की यात्रा प्रतिवर्ष करते थे, बड़े भजनानंदी थे। एक बार वो पंढरपुर दर्शन करने के लिए पधारे तो मन में भाव किया कि श्री पंढरीनाथ जी के लिए बढ़िया आम ले चलें, आम का भोग लगाएंगे। बहुत गरीब अकिंचन ब्राह्मण थे, जैसे तैसे व्यवस्था जुटा करके आम खरीदे और अपनी झोली में आम भर लिए और फिर चल पड़े पंढरपुर की ओर, ठाकुर जी को भोग धराएंगे। अब इतने प्रेमी ब्राह्मण के आम खाने ठाकुर जी को चैन कहाँ पड़े। ठाकुर जी पहले ही एक संत वेश में आ गए, बोले पंडित जी हम तो भूख के मारे मर रहे हैं, आपके झोली में से आम की सुगंध आ रही है, तो एक दो आम हमको दे दो तो हमारे प्राण बच जाएंगे। आपने मन में सोचा कि पंढरीनाथ जी के चलते फरते विग्रह संत ही तो हैं, ये दो चार आम खा लेंगे फिर भी तो बच जाएगा, धो के भोग लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो प्रेम से उन संत को आम दो, संत रूप में पंढरीनाथ जी थे, तो ठाकुर जी थोड़ा आम चूसते और थोड़ा उसमें बच जाता तो ब्राह्मणी की गोद में डाल देते झोली में। दूसरा कोई गृहस्थ होगा तो विरोध करेगा, कैसा बाबा जी है, हमारी पत्नी की गोद में क्यों डालता है। पर दोनों ही दंपति बड़े श्रद्धावान थे, ठाकुर जी एक एक करके सबरे आम चूक गए, एक भी नहीं छोड़ा। और ब्राह्मणी की चूनरी झोली आम से भर दी, चूसे हुए आम से भर दी। अब इन दोनों ने विचार किया कि ये प्रसादी है, हम लोग भी इसी में से ले लेंगे, चलो। पंढरीनाथ जी ने इसी रूप में स्वीकार किया। पंडित जी तो आगे बढ़ गए, ब्राह्मणी थोड़ी पीछे रह गई, तो उसको लगा कि इसमें वजन बढ़ गया। वजन क्यों बढ़ गया इसमें, तो देखा तो उसमें एक बालक था। तो श्री ठाकुर जी ने आम चोखा और चोख करके फिर मेल दिया, इसलिए उस बालक का नाम आगे चलकर चोखा मेला हुआ। भगवान के अधरामृत प्रसाद से ही इनका जन्म हुआ। ब्राह्मणी बड़ी भोली थी,
ब्राह्मणी ने विचार किया कि इस बालक को लेकर अपने पति के निकट पहुंचूंगी। पंडित जी आगे बढ़ गए तो पता नहीं मुझे क्या बुरा भला कहेंगे, कहेंगे छोड़ दो इस बालक को। तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, ये पता नहीं क्या चमत्कार है, घबरा गई बेचारी। और उसी घबराहट में उस नवजात बालक को कोमल पत्तों पर बिछा करके हे पंडरीनाथ जी इसकी रक्षा करना कहके छोड़ दिया। नदी का किनारा था और उसी समय चर्मकार दंपति वहां आए, वो भी बड़े भक्त थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इस बालक को अपनी संतान मानकर ले लिया। तो पालन पोषण इनका वहां हुआ, इसलिए इनकी वही जाति महार जाति इनकी मानी गई। मेहनत मजदूरी करते चोखा मेला, और उनके घर में श्री ठाकुर जी पधारते। एक बार चोखा मेला जी को कुछ मजदूरी अधिक मिल गई, तो आपने केला खरीदे और पंडरीनाथ जी को भेंट करने पहुंच गए। जैसे ही भीतर पहुंचे, आप तो भाव के कारण भीतर चले गए और उस समय लोगों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। देखो ये घुसिया नीचे यहां कहां से घुसा, बहुत मार पड़ी, घर मंदिर से बाहर फेंक दिया गया, आप बेहोश हो गए, केले भी बाहर फेंक दिए। आपने केले उठाए और रोते हुए अपने घर आ गए। पंढरपुर से 10-12 किलोमीटर दूर इनका गांव है, अभी भी है गांव। ठाकुर जी रात को चोखा मेला की झोपड़ी में पधारे। भगत जी बड़ी जोर की भूख लग रही है, आप बोले कि पहले तो पिटवाया अपने पंडे पुजारियों से, अब कहते भूख लग रही है। उस समय नहीं रोक सके कि हमारे भगत को क्यों पीट रहे हो। ठाकुर जी बोले ये लोग मुझे पत्थर की मूर्ति मानते, पत्थर कहीं बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे भावुक भक्तों के लिए साक्षात हूं, जो मुझे पाषाण प्रतिमा के रूप में देखते हैं उनको मैं अपनी अनुभूति कैसे करा सकता हूं। ठाकुर जी ने उनकी चोट की शिकायत अपने करकमल से की, टूटी खटिया पे ठाकुर जी विराज गए और ठाकुर जी ने उनकी गोद में बैठ करके केला पाए, 4 केला अपने पीतांबर में बांध लिए। बोले गठबंधन क्यों कर रहे हो? बोले गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि रुक्मणी जी भी आज भूखी हैं, आज हमने कुछ पाया नहीं मंदिर में, क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ मैं कैसे भोजन कर सकता। रुक्मणी जी बहुत वो भी पतिव्रता हैं, मेरे न पाने के कारण उन्होंने भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो 4 केला उनके लिए लेके जा रहे हैं। आपने कहा ठीक है। वो 4 केला क्यों ले गए थे ये तो सवेरे पता पड़ेगा। सवेरे महाराज जैसे ही मंदिर खुला, ठाकुर जी के पटका में वस्त्र में वो 4 केले। अरे लोगों ने कहा ये देखो कैसे घुस गया, फिर भीतर मूर्ति को छू दिया। अब तो महाराज यह विचार नहीं कर सके कि मंदिर में ताला कुंडी सब बंद हो जाता है, आखिर ये भीतर केले आए कहां से, ठाकुर जी की लीला है। पर इतना विचार वे न कर सके, चोखा मेला को फिर घर से घसीट लाए, फिर पीटने लगे। पीटते पीटते लोगों ने कहा बेचारा मर जाएगा, छोड़ो। तब ये लोग आए, स्नान ध्यान करके मंदिर में गए तो पंडरीनाथ जी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। बोले अब किसी भी कीमत पर द्वार खुलेगा नहीं, मेरे भक्तों को आने पर प्रतिबंध लगाते हो, बड़े भारी भगत बनते हो हमारे, अब कभी मेरा दर्शन किसी के लिए नहीं खुलेगा। सबने बहुत रोया गाया, गिड़गिड़ाए, ठाकुर जी से प्रार्थना की। बोले हम चोखा मेला की महिमा नहीं जानते थे, आप प्रायश्चित बताओ। ठाकुर जी ने कहा तुम सब पालकी लेकर जाओ, भक्त को स्नान करा के श्रृंगार करा के पालकी में विराजमान करके लाओ, तब मेरा द्वार खुलेगा। भक्त चोखा मेला को पालकी में धर के लाए
और श्री ठाकुर जी ने कलिकाल की घटना है सबके देखते देखते चोखा मेला को अपने हृदय से लगाया। आज भी चोखा मेला की समाधि बिल्कुल पंडरीनाथ जी के सामने है। श्री नामदेव जी महाराज ने उनकी अस्थियों को वहीं समाधिस्थ किया।